हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम टू स्टडी फॉर करियर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा का अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में। आपके जितने भी टॉपिक जो हैं वो सब क्लियर किए जाएंगे, और ये जो टॉपिक होगा यूपी टेट, सुपर टेट, सभी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो आप अपनी नोट्स क्रिएट कर सकते हो और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अनअकैडमी पर भी फॉलो कीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल को। तो शुरू करते हैं शिक्षा का अर्थ। तो शिक्षा के अर्थ के बारे में जानते हैं। तो शिक्षा शब्द जो है संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बना है। देखिए, शिक्षा जो है यहाँ से बनता है क्वेश्चन कि किस भाषा से ये निकला है। तो ये संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बना है। प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग आगे लगता है, तो ये क्लियर कर लेना। शिक्षा जो है इसका अर्थ है सीखना और सिखाना। शिक्षा में क्या होता है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती है कि एक सिखाता है तो दूसरा सीखता है, तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया इसमें चलती है। शिक्षा जो है डियर, इस शब्द के लिए अंग्रेजी में, इंग्लिश में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा को इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन, और एजुकेशन शब्द लेटिन भाषा की, कौन सी भाषा की, लेटिन भाषा की एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ है। ओके, तथा एजुकेटम शब्द जो है इसी भाषा के ई तथा ड्यूको शब्द से मिलकर बना है। ई तथा ड्यूको शब्दों से मिलकर बना है, तो यहाँ ये नोट डाउन कर लेना। आगे बात करते हैं, तो ई का अर्थ क्या होता है ये पूछा जा सकता है। तो ई का अर्थ होता है अंदर से, और जबकि ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना। तो एजुकेशन का शब्द जो होता है अंदर से आगे बढ़ाना। अब हम बात करते हैं कि एजुकेशन होती क्या है डियर। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल देती हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि एजुकेशन होती क्या है और क्यों ज़रूरी है। देखिए, एक बच्चा म्यूज़िक में बहुत अच्छा है, इंटरेस्ट है उसका और अच्छा खासा गा लेता है, तो वो उसकी क्लास लेने जाता है, जिसको कहते हैं एजुकेशन। वो शिक्षा उसके बारे में लेता है, तो शिक्षा क्या करती है, उसको अच्छे से प्रशिक्षित करती है, उसको बताती है कि कौन सा सुर आपको पकड़ना है, कब आपको अपना जो अलाप है वो नीचे करना है, ऊंचा करना है। तो ये जो उसके जो फॉर्म्स होते हैं वो उनको बताती है। ऐसे ही जो डांस में बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन उसको अभी स्टेप उसके मालूम नहीं है कि किस रिदम पे कौन सा उसको स्टेप लेना है, तो जब वो उसकी क्लास लेता है, एजुकेशन उसके बारे में लेता है, तो वो एक हाई लेवल तक जाता है। वो उसके अंदर की जो प्रतिभा है, जो पहले वो नॉर्मल थी, तो वो निखर कर आती है म्यूज़िक में भी और क्लास में भी। ऐसे ही एजुकेशन लाइन में बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, पुलिस बनना चाहता है, जैसे आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, तो क्या करते हो, सबसे पहले आप उसके बारे में जानते हो कि कैसे बच्चों को पढ़ाएं, उसके बारे में शिक्षा ग्रहण करते हो, ताकि आप आगे बच्चों को पढ़ा सकते हो, है ना। तो आप उसकी ट्रेनिंग लेते हो, तो शिक्षा क्या करती है, पहले आपको ट्रेन करती है कि आप बच्चों को पढ़ा पाओगे या नहीं, है ना। तो ऐसे ही आपका टेस्ट लिया जाता है, अगर आप इस टेस्ट में क्लियर होते हो तभी आपको हाई लेवल, आगे लेवल तक आपको भेजा जाता है। तो ये सब एक शिक्षा का प्रोसेस होता है, जिसमें सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती है, एक सीखता है तो दूसरा सिखाता है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि शिक्षा होती क्या है और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, कि शिक्षा क्या करती है, आपके अंदर की जो प्रतिभा होती है, क्षमताएं होती है, उनको बाहर निकालती है, अंदर से आगे बढ़ाती है उनको। ओके, और उनको प्रशिक्षित करती है, आपकी प्रतिभाओं को पोषित करती है, उनका पालन पोषण करती है। ओके, आगे बात करते हैं शिक्षा के जो आधुनिक परिभाषाएँ हैं। सबसे पहले जो परिभाषा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दी थी, शिक्षा को व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया के रूप में इन्होंने स्पष्ट किया था। और उनके शब्दों में था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास से है, कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बच्चे का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो ये जो परिभाषा है ये किसने दी थी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। इन डेफिनेशंस में से आप के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, अगर आप शिक्षा की सभी जो परिभाषाएं हैं पढ़ लेते हो। ओके, अगली है अरस्तु ने। तो अरस्तु ने कहा था स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। देखिए, अगर आपका शरीर जो है स्वस्थ होगा, आपका मस्तिष्क जो है वो स्वस्थ होगा, तभी आप में वो जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उसका
निर्माण हो पाएगा, है ना। तो इसी वजह से हमारा जो शरीर है, मस्तिष्क है, वो स्वस्थ होना चाहिए। तो ये जो कहा था ये अरस्तु ने कहा था, ठीक है, कहा था इन्होंने कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। अगली जो डेफिनेशन है हर्बर्ट स्पेंशर ने दी थी कि मनुष्य जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से तालमेल बैठाने पर बल देते हुए उन्होंने कहा था कि शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियाँ, जो उसके अंदर जो शक्तियाँ हैं, तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करने से है। ओके, तो ये डेफिनेशन दी थी हर्बर्ट स्पेंशर ने। जॉन डीवी के शब्दों में शिक्षा जो है व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास करना है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाती है। और जॉन डीवी का एक कथन था डियर कि एजुकेशन वो होनी चाहिए जब हम स्कूल भी छोड़ देते हैं तो उसके बाद तक हमें वो याद रहे, ठीक है, इन्होंने कहा था। और जो जॉन एडम्स थे उन्होंने कहा था कि जो प्राचीन प्राचीन शिक्षा जो होती थी उसमें क्या होता था, वो शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती थी, मीन्स उसमें क्या होता था, एक शिक्षक होता था और दूसरा शिक्षार्थी। लेकिन जॉन डीवी ने क्या कहा, इन्होंने त्रिमुखी प्रक्रिया माना है शिक्षा को, जिसमें आपका शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम आता है। तो इनको त्रिमुखी प्रक्रिया कहा जाता है। और ये जो त्रिमुखी प्रक्रिया दी थी शिक्षा के बारे में, ये दी थी जॉन डीवी ने। इन्होंने कहा था कि इसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम का इसमें समावेश होना चाहिए, ये द्विमुखी प्रक्रिया नहीं है। द्विमुखी प्रक्रिया कहा था शिक्षा को जॉन एडम्स ने, तो ये थोड़ा आप याद रख लेना। ओके, आगे बात करते हैं अगले डेफिनेशन गीता के अनुसार। तो गीता से इसका अभिप्राय है सा विद्या विमुक्ते, यानी विद्या वही है जो बंधनों से मुक्त करे, मीन्स कोई भी बंधन उसमें ना हो, लिमिट ना हो सीखने पर, वो अनलिमिटेड हमें प्रोवाइड करे अवसर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और विद्या ग्रहण करें। ओके, अगली है टैगोर के अनुसार हमारी शिक्षा स्वार्थ पर आधारित परीक्षा पास करने के संकीर्ण मकसद से प्रेरित यथाशीघ्र नौकरी पाने का जरिया बनकर रह गई है, जो एक कठिन और विदेशी भाषा में साझा की जा रही है। इसके कारण हमें नियमों, परिभाषाओं, तथ्यों और विचारों को बचपन से रटना की दिशा में धकेल दिया है। यह ना तो हमें वक्त देती है और ना ही प्रेरित करती है ताकि हम ठहर कर सोच सकें और सीखे हुए को आत्मसात कर सकें। तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है टैगोर जी के द्वारा कि भी जो आजकल की जो काफ़ी एजुकेशन, आज की जो एजुकेशन रह गई है, मीन्स उनका एक मकसद रह गया है कि हमें नौकरी पाना है, और मीन्स उसमें रटने पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो ना तो हमें ये वक्त देती है कि हम उसकी तरफ मोटिवेट हो सके, प्रेरित हो सके, और ना ही हमें ये सोचने का मौका देती है कि हमें किस तरह से सीखना है और ताकि हम सीखे हुए को आत्मसात कर सके। बड़ी अच्छी इसने डेफिनेशन दी है टैगोर जी ने। तो ये जो डेफिनेशन है पूछी जा सकती है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। ओके, अगली है महात्मा गांधी के अनुसार सच्ची शिक्षा वह है जो बच्चों के आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक पहलुओं को उभारती है और प्रेरित करती है। इस तरीके से हम सार के रूप में कह सकते हैं कि उनके मुताबिक शिक्षा का अर्थ सर्वांगीण विकास था। ठीक है, तो जहाँ भी ये पहलू आते हैं, आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक पहलू, तो ये महात्मा गांधी की डेफिनेशन होगी। आगे है स्वामी विवेकानंद के अनुसार कि शिक्षा जो है व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, जो अंदर उसके जो निहित है, अंतर्निहित जो पूर्णता की जो अभिव्यक्ति है, उसके अंदर की जो प्रतिभाएं हैं उसको बाहर निकालने की उसकी एक अभिव्यक्ति है, उसका एक मीडियम है। ओके, अगले जो डेफिनेशन है अरस्तु के अनुसार कि शिक्षा जो है मनुष्य की शक्तियों का विकास करती है, विशेष रूप से मानसिक शक्तियों का विकास करती है, ताकि वह परम सत्य शिव एवं सुंदर का चिंतन करने योग्य बन सके। तो बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी थी शिक्षा के बारे में अरस्तु जी ने। तो ये डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो डियर, यही था आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय, रब रखा। जय भोलेनाथ, जय महाकाल, बाय बाय।